दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, पूरी बॉडी में, होल बॉडी की बात कर रहा हूं दोस्तों, आपको दर्द रहता है, नसों में दर्द रहता है, जॉइंट्स में पेन रहता है, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है और मसल्स में पेन रहता है, अगर ऐसी कोई समस्या है दोस्तों, थोड़ा सा कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड करें। मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, लॉन्ग ड्राइव करके आप स्कूल जाते हैं, साइकिल चलाते हैं, आपको पेन चालू हो जाता है, बॉडी में दर्द होता है, बहुत देर तक ये जगह बैठे रहते हैं। अगर इस तरह की स्थितियों में, लाइफ स्टाइल में आपको पूरे शरीर में दर्द रहता है, नसों में वीकनेस रहती है और मसल्स में पेन रहता है, तो ये एक समस्या है, गंभीर समस्या है दोस्तों। आज मैं इसी पे थोड़ी सी चर्चा करूंगा और आपको दो ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिनके प्रयोग से आप इसमें पूरी तरीके से अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मसल्स पेन, जैसा कि जैसे आप कुछ भी करते हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, आप फार्मर हैं, आप कोई जो है ऑफिशियल वर्क करते हैं, आपको कहीं ना कहीं अपने बॉडी को एडजस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप टीचर हैं, आप बहुत देर तक खड़े होकर आप पढ़ाते हैं, आपके पैरों में दर्द चालू हो जाता है, आपको नसों में दर्द चालू हो जाता है, आपके हाथों में दर्द चालू हो जाता है और आपकी नसों में वीकनेस होने लगती है, आपको मसल से पेन चालू हो जाता है। आप एक जिमर हैं, आप जिम करने जाते हैं, कुछ भी उठाते हैं, आपको तुरंत खिंचाव बॉडी में आ जाता है, पैरों में खिंचाव हो जाता है, हाथों में खिंचाव आ जाता है। अगर इस तरह की गंभीर समस्याएँ आपको आए दिन होती रहती हैं तो एक इशू है, ये एक बहुत बड़ी मेजर समस्या है दोस्तों आपके लिए। इसके लिए बहुत सारी मेडिसिन हैं होम्योपैथी में। अब आप अपना काम तो नहीं बंद कर सकते हैं दोस्तों कि हम ये काम ही नहीं करेंगे तो ऐसी समस्या नहीं आएगी, ऐसा तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपको कुछ भी करते वक्त बॉडी में खिंचाव हो जाता है, स्ट्रेन उत्पन्न हो जाता है, स्ट्रेचेस आ जाते हैं और पेन चालू हो जाता है, उसके साथ साथ नसों में भी दर्द चालू हो जाता है दोस्तों, तो इस समस्या के लिए होम्योपैथी की सबसे अच्छी मेडिसिन है दोस्तों जिप्सम। अगर आपको कोई नर्व पेन है, नर्वस वीकनेस है, मसल्स पेन है, आपको चक्कर आने लगते हैं इस पेन के साथ साथ, इसके लिए होम्योपैथी की सबसे यूनिक मेडिसिन है दोस्तों जिप्सम 30। ये क्या करेगी, ये इम्प्रूव करती है आपकी मसल्स प्रॉब्लम को दोस्तों, इम्प्रूव करती है आपके नर्वस सिस्टम को, इम्प्रूव करती है आपकी वीकनेस को, नर्वस वीकनेस को दोस्तों, ओवरऑल बॉडी वीकनेस को भी इम्प्रूव करती है और एक ही बहुत ही अच्छा हेल्थी नर्वस सिस्टम आपको प्रदान करती है जिप्सम 30 दोस्तों। और दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों अर्निका मोंटाना 30। ये मेडिसिन आमतौर पे एक पेन किलर है होम्योपैथी का, खासकर मसल्स पेन, जॉइंट पेन और स्ट्रेचल पेन। आपको खड़े खड़े अगर पैरों में दर्द होने लगता है तो आपको अर्निका जरूर प्रयोग करना चाहिए जिप्सम के साथ दोस्तों, क्योंकि अगर आप खड़े रह रहे हैं तो बॉडी में खिंचाव आ रहा है, लगातार पैरों पे प्रेशर पड़ रहा है, आपके पैर एक ही मुद्रा में कंटिन्यू बने हुए हैं, मसल्स में खिंचाव आ रहा है, मसल्स में पेन हो रहा है और नर्वस वीकनेस उत्पन्न हो रही है, ये समस्या आएगी। आप एक टेलर हैं तो लगातार आपके पैर चल रहे हैं, वहाँ भी मसल्स में पेन आएगा दोस्तों। आप एक जिमर हैं, पैरों को उठा रहे हैं, वहाँ भी मसल्स में पेन आएगा दोस्तों। अगर ये समस्या आपको हो रही है अपने प्रोफेशन के काम करते वक्त, आपको ये दो मेडिसिन किसी भी तरीके की मसल्स पेन हो, किसी भी तरीके का नर्वस पेन हो, किसी भी तरीके की नर्वस वीकनेस हो दोस्तों, किसी भी तरीके का जॉइंट पेन हो, किसी भी तरीके का नर्व पेन हो, इस तरह की कोई भी समस्या हो दोस्तों, तो आपको ये दो मेडिसिन जरूर प्रयोग करनी चाहिए। पहली जिप्सम 30, दूसरी अर्निका मोंटाना 30। ये दो होम्योपैथी की मेडिसिन बहुत ही अच्छी हैं इन समस्याओं के लिए दोस्तों। दोस्तों आशा करता हूँ ये अगर अच्छी लगी है ये इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर उस नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जो मैं यहाँ अपलोड करता हूँ। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।